अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम घर में बनाएंगे पोटैटो स्नैक्स, आपसे समोसा स्नैक्स भी कह सकते हैं। हम समोसे की शेप देके बनाएंगे, बहुत ही यूनिक वे में फ्लावर्स के अलावा स्नैक्स बनाएंगे टी टाइम। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लिया है मैदा, इसको मैं अच्छे से छान ली। ये वाला मैंने एक कप मेजरिंग कप मैदा लिया है। इसके अंदर मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून नमक, साबुत जीरा 1/4 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे। यहां मैंने लिया है कुकिंग ऑयल 2 टीस्पून, ये डाल दूंगी। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल वगैरह सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। ये मैंने एक कप ही पानी लिया है, हमें हार्ड डो चाहिए इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से हम गूंद लेंगे। डो अच्छे से ये देखे रेडी हो चुकी हुई है। ये देखिए कितना हमने हार्ड आटा गूंदा है। अब इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगा के रख देंगे रैप करके। बस हम लगाएंगे ऑयल दोनों साइड्स पे और इसको हम कवर करके रख देंगे। इस तरह अच्छे से कवर करके इसे हम बाहर ही रख देंगे। और ये देखे जो पानी है उस कप में से, मेरे ख्याल से ये देखे हाफ कप रह गया पानी। 4 टेबल स्पून के अंदर हमारा पानी से अच्छे से गूंदा गया है। ये देखिए फिलिंग रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे लिए आलू। यहाँ पर 2 बड़े साइज के आलू थे, उन्हें मैंने बॉईल कर लिए। अब मैशर की मदद से इस तरह मैश कर लेंगे। ये देखिए आलू हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं। ये मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज और 1 ग्रीन मिर्च, उनको अच्छे से चॉप कर लिए। ये हम डालेंगे, 7 सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये है धनिया पाउडर 1 टीस्पून, भरा हुआ ऑप्शनल है, आप साले जो भी आपने डालने हो। साबुत जीरा 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, इसको हम टेस्ट कर लेंगे। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लिया है। अब हम रोटी बेल लेंगे जो हमने डो बनाई है। इसके अंदर मैंने और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए। अब इस डो को एक फैसला हल्का हल्का दोबारा गूंद के हम इसको बेल लेंगे। इस तरह थोड़ा सा मसल लेंगे मैट को। इस तरह हम मैदे से स्प्रिंकल कर लेंगे मैदा। अब इसको हम 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, 2 हिस्सों में। ये देखिए डिवाइड कर लिया हुआ। पहले हम एक को बेल लेंगे मैदा लगा लगा के। ये देखिए एक रोटी बेल लिए, इस तरह हमने पतली सी रखी है। इस तरह हम दूसरी भी बेल लेंगे। दूसरी रोटी भी बेल ली है, कितनी पतली बेली है। अभी हम स्टफिंग रखेंगे, इसको फिल करेंगे। स्टफिंग ये देखिए अच्छे से रख ली हुई है। अब ये जो हमने दूसरी रोटी बेली थी उसको इस तरह ऊपर रखेंगे। ये देखें इसको हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह बेल लेंगे। ये जो बाकी किनारे हैं उसको हम कट कर देंगे। अब आप अपनी मर्जी की शेप इस तरह ये देखिए मैं कट कर रही हूँ। इसको हम दूसरे एंगल से भी कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हमने चोरस बना ली है। अब आप चाहें तो जो मर्जी शेप दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह अपनी मर्जी कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह स्टफिंग भी बाहर आ रही, कितना प्यारा फ्लावर बन गया। देखिए मैंने इस तरह 2 डिफरेंट शेप में दिया है। बाकी सबको भी इस तरह हम बारी बारी डिजाइन बना लेंगे, कोई भी शेप दे सकते हैं। एक पैन में मैंने कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। ये देखें प्यारी प्यारी शेप्स भी दे लिए। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका हुआ है। इस तरह हम सारे रख लेंगे स्नैक्स अपने। गोल्डन ब्राउन जैसे ही होंगे तो हमें निकाल लेंगे। इसके 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ही रेडी हो जाएंगे। ये देखें मैंने 1 मिनट बाद इनको हलाया है, इस तरह हमने गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। सो गाइज ये देखिए हमारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए फ्लावर शेप। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।